जी, मेरा ये सवाल है ना कि जो सोने की दुकान वाले हैं ना, वो लोग एक स्कीम रखते हैं जिसमें ऐसा रहता है कि हर मंथ को हमको कुछ अमाउंट उनके पास देना है, 5,000 जैसा। तो फिर अब साल हो जाता तो वो लोग क्या करते हैं कि जितनी अमाउंट जमा हुई है ना, उसका गोल्ड हमको खरीदने के लिए देते हैं। उस पर वो लोग मेकिंग चार्जेस नहीं लेते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये नाजायज है, हराम है, ये खुली हुई सूद की शक्ल है। सोने के खरीदने और बेचने में ये जरूरी है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, मतलब उसी मजलिस में लेन देन होना चाहिए। जिस मजलिस में खरीदारी हो रही है, लेन देन उसी मजलिस में होना चाहिए। किसी भी तरफ से, सुनार की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। कि जैसे आपने 1 लाख का सोना खरीदा तो 50,000 अभी दे दिए और सोना ले लिए, 50,000 कल को परसों को या बाद में देंगे, ये जायज नहीं है। जितने का खरीद रहे हैं पूरी पूरा अमाउंट अभी दीजिए, पूरा पूरा सोना अभी लीजिए, यही जायज है। तो जब आप पैसा जमा कर रहे हैं तो एक खराबी तो ये है कि आप जो है पैसा दे दे रहे हैं, सोना नहीं पा रहे हैं। दूसरी खराबी ये है कि पैसा भी आप पूरा नहीं दे रहे हैं। तीसरी खराबी ये है कि आपको किस रेट में मिलेगा ये भी नहीं पता है। रेट भी, ये भी जरूरी है कि कोई चीज आप खरीदो तो रेट पता होना चाहिए, आपको रेट भी नहीं पता है। रेट जब जिस दिन आप खरीदेंगे उस दिन पता चलेगा। तो इसमें एक खराबी नहीं है, इसमें मुतअद्दिद खराबियां हैं, और अगर एक ही खराबी होती तब भी ये हराम होता, जबकि इसके अंदर मुतअद्दिद खराबियां हैं। लिहाजा आपको सोना खरीदना है तो जब पैसा आपके पास जमा हो जाए जितना खरीदने भर का, पैसा दीजिए, सोना लीजिए। और एक बात आपने लास्ट में और जिक्र किया कि वो जो सुनार होता है, जो बनाने का चार्ज होता है, वो भी नहीं लेता है। ये खराबी ये भी है कि जो पैसा आप उसके पास दे रहे हो, अगर इसको हम कर्ज मान लें तो इस कर्ज के बदले में आपको फायदा हो रहा है, आप फायदा पा रहे हैं। तो एक खराबी ये भी होगी कि आपको उस कर्ज के बदले में फायदा मिल रहा है। तो बहरहाल ये शक्ल जायज नहीं है।